तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये मेरे पास है एक ऑल्टरनेटर, यहाँ देखिए ये ऑल्टरनेटर, और ये रहा बैटरी, और ये मेरे पास है दो बल्ब। ठीक है, ये जो ऑल्टरनेटर है इसे मैं आपको एक बैटरी चार्ज करके दिखाऊंगा। तो आपको मैं दोस्तों दिखाऊंगा हमारा जैसे गाड़ी में ये ऑल्टरनेटर काम करता है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, बैटरी से वायर खोलने के बाद भी हमारा ऑल्टरनेटर काम करता है। ठीक है, तो आज मैं आपको वही तरीका इस वीडियो में दिखाऊँगा। ठीक है, वीडियो का आप लोग एंड तक देखिए, तब आपको पता चलेगा। और बहुत लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि ऑल्टरनेटर से बैटरी कैसे चार्ज करते हैं, तो आज का जो वीडियो, ये वीडियो में बैटरी कैसे चार्ज करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो याद देखिए, ये मेरे पास एक एयर गन। ठीक है, इसको चलने के लिए हमारा एयर का ज़रूरत होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल नहीं है। तो इस गन ऑल्टरनेटर का पुली इसको घुमाऊँगा, क्योंकि इसको घुमाने से फ्रेंड थोड़ा टॉर्क चाहिए। ठीक है, और इसमें बहुत टॉर्क है, ये जो गन है ये इस ऑल्टरनेटर को आराम से घुमा सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो बैटरी है दोस्तों, इसको मैं पूरा हटा के आपको दिखाऊंगा। पहले ऑल्टरनेटर को करंट देने के लिए थोड़ा बैटरी का ज़रूरत होता है, लेकिन उसके बाद हम अगर बैटरी को खोल दें कनेक्शन, तो भी हमारा ऑल्टरनेटर काम करता है। मैं आपको अभी कनेक्शन करके दिखाता हूँ। और ये जो बैटरी है दोस्तों, ये फेक नहीं है, 100% रियल है। पहले क्या क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो देख सकते हैं, ये हमारा जो बैटरी है उसका पॉजिटिव वायर है ये। तो इसको किधर कनेक्ट करना है, यहाँ देखिए, सभी ऑल्टरनेटर में ऐसा एक बोल्ट होता है जो बड़ा बोल्ट, और यहाँ देख सकते हैं बी पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो बोल्ट है इससे हमारा करंट भी आउटपुट होगा, पॉजिटिव आउटपुट। और अभी इसमें क्या क्या कनेक्ट होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह एक बल्ब है, इसका एक वायर में इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। और एक बल्ब को मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ देखिए दो बल्ब, क्योंकि ये जो बैटरी है, इस बैटरी को मैं उसके बाद हटाऊंगा और आपको दिखाऊंगा ये ऑल्टरनेटर से ये बल्ब जलेगी। ठीक है, तो अभी इसको इधर लगा देते हैं। और अभी दोस्तों करना क्या है, ये जो बल्ब देख सकते हैं, इसका एक वायर में इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ नेगेटिव में। बैटरी का जो दोस्तों नेगेटिव टर्मिनल है, एक हमारा ऑल्टरनेटर में कनेक्ट होगी। तो ऑल्टरनेटर में मैंने फिट किया है नेगेटिव वायर, और अभी ये जो आप देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव में आएगी। ठीक है, ये क्या देखिए, और ये जो आप बल्ब देख सकते हैं ये, इसका एक वायर मैंने ये पॉजिटिव में कनेक्ट किया है, और ये जो साइड है बल्ब का ये हमारा इसमें आएगी। यह देख सकते हैं ये एल इसमें आएगी, एल आए। अभी ये बल्ब जलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखिए। तो दोस्तों अभी ये जो आप बल्ब देख सकते हैं इसको अभी जलना होगा। ये जो आप बल्ब देख सकते हैं, ये बल्ब हमारा गाड़ी जब स्टार्ट होती है तब ये ऑफ होता है। ठीक है, ये हमारा जो इग्निशन लाइट है उसी का है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये क्या होगा, हमारा ये जो ऑल्टरनेटर है दोस्तों, ये ऑल्टरनेटर घूमने के बाद भी ये जलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम ये जो टर्मिनल है इसको खोल देंगे तो ये ऑल्टरनेटर से ये बल्ब जलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेटर करंट आउटपुट कर रहे हैं। तो फ्रेंड अभी ये जो आप बल्ब देख सकते हैं, ये बल्ब हमारा जो इग्निशन लाइट है उसी का है। ठीक है, अभी ये जो आप एयर गन देख सकते हैं, ये इससे मैं इसको घुमाऊंगा, घुमाने से क्या होता है, ये जो आप लाइट देख सकते हैं ये ऑफ होगा। ठीक है, और ये जलता ही रहेगा ये जो बल्ब है। और ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वायर
हम ऑल्टरनेटर का हम रोटेट करके यहाँ से कनेक्शन खोल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा करंट आउटपुट होगा, बिना बैटरी के करंट आउटपुट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको घुमा के, और फिर हम इसको भी खोल देंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइट ऑफ होगी। तो अभी मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, ये काम नहीं करेगा। तो इसको हम चालू करके क्या करेंगे, ये वायर खोल देंगे, उसके बाद देखना ये बल्ब जलेगी। अभी देखिए बल्ब नहीं जलेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, हम गाड़ी स्टार्ट करके क्या करते, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम खोल देते, फिर भी हमारा ऑल्टरनेटर काम करता है। तो इसका ये मतलब है कि ऑल्टरनेटर को चलने के लिए थोड़ा करंट देना होता है, फिर ये काम करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से कनेक्शन खोल भी देंगे तो भी ये हमारा करंट आउटपुट करेगा। तो जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया दोस्तों, ये 100% रियल है, और मैं हमेशा रियल ही वीडियो बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमेशा आपको ऐसा ही वीडियो मिलेगा इस पर, और जेन्युइन वीडियो मिलेगा, आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सारा ऑल्टरनेटर है मेरे पास, उसका भी कनेक्शन मैं आपको दिखाऊँगा कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।